आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज क्या तारीख है, आज है 1 नवंबर। आज ही के दिन हमारा हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग हुआ था। और क्या तारीख थी उस दिन जब हमारा हरियाणा राज्य बना था, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अपने हरियाणा राज्य के बारे डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हरियाणा राज्य कब बना, 1 नवंबर 1966 को। आज हरियाणा दिवस है यानी आज 1 नवंबर है, तो हम अपने हरियाणा राज्य के बारे कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो हरियाणा राज्य है इसमें इस समय 22 जिले हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे हरियाणा राज्य में इस समय कितने जिले हैं, तो हमारे हरियाणा राज्य में इस समय 22 जिले हैं। विधानसभा सीटें हैं 90। विधानसभा सीटें कितनी है हमारे हरियाणा में, 90। लोकसभा सीटें हैं 10। और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 5। तो अगर आपसे कोई पूछे, देखिए जो लोकसभा के जो सदस्य हैं और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम सांसद। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे हरियाणा राज्य में कितने सांसद हैं, तो हमारे हरियाणा राज्य में सांसद 15 हैं। देखिए कैसे, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी हम सांसद बोलते हैं। तो हमारे हरियाणा राज्य में इस समय 15 सांसद हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने की क्या बात है कि 14 पुरुष हैं और 1 महिला है। और जो 1 महिला है उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्रीमती सुनीता दुग्गल, जो लोकसभा सांसद हैं। और कहाँ से सांसद हैं आपको पता होना चाहिए, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी सिरसा से सांसद हैं लोकसभा की। अब देखिए जब हमारा हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, तो हमारे हरियाणा राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। हमारे हरियाणा राज्य में अब तक कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है उनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब तक हमारे हरियाणा राज्य में 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं, और इस समय प्रेजेंट में हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री इस समय कौन है, श्री दुष्यंत चौटाला। श्री दुष्यंत चौटाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा हरियाणा राज्य है उसमें राज्यसभा के जो सदस्य है उनके क्या क्या नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आज हम इसके बारे कंप्लीट स्टडी करेंगे। जो राज्यसभा के सदस्य हैं हमारे हरियाणा राज्य में वो है 5। पहले श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे हरियाणा राज्य के 9वें मुख्यमंत्री यानी कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं। इससे पहले ये लोकसभा के सदस्य थे, अब हैं ये राज्यसभा के सांसद। श्री डीपी वत्स, श्री रामचंद्र जांगड़ा, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी भी इस समय राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा से। श्री सुभाष चंद्रा, और श्री दुष्यंत कुमार गौतम। श्री दुष्यंत कुमार गौतम, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं वो इस समय हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं, और जो श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं वो इस समय हमारे हरियाणा राज्य के डिप्टी सीएम हैं यानी उप मुख्यमंत्री हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे हरियाणा राज्य से लोकसभा के सदस्य कौन कौन हैं और वो कौन कौन सी सीट से हैं। सबसे पहले देखिए श्रीमती सुनीता दुग्गल जी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये इस समय इकलौती महिला सांसद हैं हमारे हरियाणा राज्य से, जो सिरसा से हैं लोकसभा की सदस्य। और कौन कौन है, श्री संजय भाटिया जी। श्री संजय भाटिया ये हैं करनाल से, करनाल से सांसद हैं इस समय। कौन है, श्री संजय भाटिया जी। श्री रतन लाल कटारिया जी, श्री रतन लाल कटारिया ये हैं अंबाला से। आपको देखिए ये भी पता होना चाहिए कि सांसद का नाम क्या है और वो किस जगह से चुना गया है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। श्री नैब सिंह सैनी,
जो कुरुक्षेत्र से इस समय सांसद हैं, श्री नायब सिंह सैनी, कुरुक्षेत्र। और कौन है? श्री रमेश कौशिक। रमेश कौशिक जी कहां से सांसद हैं? रमेश कौशिक जी इस समय सोनीपत से सांसद हैं। श्री अरविंद शर्मा जी, श्री अरविंद शर्मा इस समय कहां से सांसद हैं? श्री अरविंद शर्मा इस समय रोहतक से सांसद हैं। श्री ब्रिजेंद्र सिंह, श्री ब्रिजेंद्र सिंह कहां से सांसद हैं? आपको यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। श्री ब्रिजेंद्र सिंह इस समय हिसार से सांसद हैं लोकसभा के। श्री धर्मवीर सिंह, जो धर्मवीर सिंह जी हैं ये भिवानी से सांसद हैं लोकसभा के। राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, जो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं ये गुरुग्राम से सांसद हैं। और श्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं ये फरीदाबाद से इस समय लोकसभा के सांसद हैं हमारे हरियाणा राज्य में, फरीदाबाद। तो देखिए, चार, पांच, नौ और दस, दस लोकसभा के सदस्य हो गए और ये पांच होंगे राज्यसभा के। अब जो लोकसभा के सदस्य हैं इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता देता हूं कि इन सभी की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, यानी ये सभी बीजेपी से सांसद हैं। श्री दीपेंद्र हुड्डा जी को आप जानते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। श्री डीपी वत्स जी भी इस समय बीजेपी से सांसद हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी भी बीजेपी से हैं। दुष्यंत कुमार गौतम जी भी बीजेपी से हैं। तो आपको पता चल गया कि इनकी सबकी पार्टी है बीजेपी। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस समय इकलौते सांसद हैं हरियाणा से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुने गए हैं। अब देखिए, आपको हमारे हरियाणा राज्य के बारे और क्या क्या पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा राज्य में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, इसके बारे भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सन हैं। डिटेल में तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी। उसका लिंक, जो वीडियो है राष्ट्रपति शासन के बारे, मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस कंप्लीट वीडियो का लिंक। हमारे हरियाणा राज्य में इस समय तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी प्रेजिडेंट रूल। कितनी बार लगा हमारे हरियाणा राज्य में 1966 से लेकर अब तक 2021 तक? 3 बार। सबसे पहली बार कब लगा था? 1967 में। दूसरी बार 1977 में, लगभग 10 साल बाद, और फिर 1991 में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि जब ये राष्ट्रपति शासन हमारे हरियाणा राज्य में लगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा का राज्यपाल कौन था, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इन सब की जानकारी मैंने एक अलग से वीडियो में दी है। प्लीज़ आप सभी एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखिए। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1967 है, उस समय जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो मुख्यमंत्री थे हमारे हरियाणा राज्य के राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे हमारे हरियाणा राज्य के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह के बारे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जब 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय मुख्यमंत्री थे हरियाणा के श्री बनारसी दास गुप्ता। और जब तीसरी बार लगा, उस समय मुख्यमंत्री थे श्री ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जी कौन है? ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और ये कौन है? ये श्री देवीलाल जी के, ताऊ देवीलाल जी के पुत्र हैं। ताऊ देवीलाल जी कौन थे? ताऊ देवीलाल जी 2 बार हमारे भारत देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। उनको हमारे हरियाणा राज्य में ताऊ के नाम से जाना जाता है, ताऊ देवीलाल। तो जो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं वो ताऊ देवीलाल जी के पुत्र हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए कि अब तक हमारे हरियाणा राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1967 में, फिर 1977 में, और फिर तीसरी बार, अंतिम बार लगा था 1991 में। उस समय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब एक छोटी सी बात,
अब जानते हैं आप सभी प्रेजेंट में हमारे हरियाणा राज्य में डिस्ट्रिक्ट है 22, जिले हैं 22, लेकिन जब 1966 में हमारा हरियाणा राज्य बना था उस समय हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे और उन 7 के 7 के नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं उन 7 जिलों के क्या क्या नाम थे। अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक। तो ये वो 7 जिले हैं जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। ये 7 जिले उस समय हमारे हरियाणा राज्य में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि वो 7 जिले कौन कौन से हैं जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। जो उस समय हरियाणा के 7 जिले थे उनके नाम, अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक। अब देखिए हमारे हरियाणा राज्य में 6 मंडल है। जो 6 मंडल हैं उनको भी मैं आपको इन्हीं 7 जिलों में से याद करवा देता हूँ। देखिए वो 6 मंडल कौन कौन से हैं इस समय हरियाणा में, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो देखिए है बिल्कुल इजी, 6 मंडल हैं इस समय हरियाणा में। मंडल अंबाला हो गया, करनाल हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया और फरीदाबाद हो गया। जब हमारा हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 में, यानी पंजाब राज्य से जब हमारा हरियाणा राज्य अलग हुआ था, पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा और पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर सिंह। उस समय 7 जिले थे। तो आप सिर्फ इन 7 जिलों को याद कर लीजिए। देखिए अब इस समय में जो प्रेजेंट में 6 मंडल हैं, तो अंबाला उस समय जिला था, इस समय मंडल है। करनाल जिला था, मंडल है। हिसार जिला था, गुरुग्राम जिला था, रोहतक। सिर्फ महेंद्रगढ़ और जींद दो ऐसे जिले हैं जो उस समय 1966 में जिले थे लेकिन अब मंडल नहीं है। देखिए आपको सिर्फ ये 5 जिले याद करने हैं और फरीदाबाद एक एक्स्ट्रा याद करना है, तो ये आपके 6 मंडलों के नाम हो गए। और इस समय हमारे हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के ऊपर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, उन सभी की सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो को जरूर देखें। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है लेकिन उन सभी में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के राजकीय चिन्ह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजकीय चिन्ह, यानी हरियाणा के राज्य चिन्ह। तो देखिए सबसे पहले हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। राजकीय वृक्ष है हरियाणा का पीपल। राजकीय पुष्प, यानी राजकीय पुष्प आपसे अगर कोई पूछे तो वो है कमल। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन, ब्लैक फ्रैंकलिन, यानी कि काला तित्तर भी इसको ही बोलते हैं, ब्लैक फ्रैंकलिन। काला तित्तर हमारे हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु ब्लैक बक। और क्या रह गया, हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने वीडियो देखे, जरूर बड़ी हो गई लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिली हमारे हरियाणा राज्य के बारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और एक बार फिर आप सभी को मैं हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।